नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। बिग बॉस ने हाल ही में घरवालों को लग्जरी बजट टास्क के दौरान एक ऐसा टास्क दिया था जिसमें घरवालों को दो टीमों में बांटा गया था। जहां एक टीम को रोबोट बनना था, वहीं दूसरी टीम एम्प्लॉय बनी थी। इस टास्क के दौरान ही विकास ने प्रियांक पर कुछ पर्सनल अटैक किया था। जब विकास रोबोट बनकर बैठे थे, तब प्रियांक ने जमकर बदला लेने की ठानी। इसी सिलसिले में वो बिकनी पहनकर आए और विकास को हंसाने के लिए गुचीपो कहकर पुकारने लगे। आपको बता दें कि विकास को इस नाम से उनकी माँ पुकारती है। प्रियांक की हरकत केवल विकास को ही नहीं बल्कि उनके भाई को भी बुरी लगी। विकास के भाई सिद्धार्थ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने प्रियांक के बारे में काफी कुछ लिखा। वैसे ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ ने केवल प्रियांक के खिलाफ ही अपनी भड़ास निकाली, उन्होंने अपने पोस्ट में अपने भाई विकास को भी गलत ठहराया। सिद्धार्थ ने लिखा कि प्रियांक और विकास दोनों ने ही टास्क के दौरान अपनी सीमाएं पार की। वैसे सिद्धार्थ की बात से काफी लोग सहमत होंगे क्योंकि टास्क अपनी जगह है और तमीज अपनी जगह। विकास और प्रियांक को टास्क के दौरान इतना पर्सनल होने की जरूरत ही नहीं थी। शो में लगातार इन दोनों के बीच जिस तरह की लड़ाइयां हो रही है उसे देखकर साफ लगता है कि ये दोनों फिर कभी पहले जैसे दोस्त नहीं बन पाएंगे। बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।